जी मतलब मैंने टीवी सीरियल्स में काम किया, कुम -कुम वो, okay, okay. वो में किया है कुमकुम भाग्य पता होगा भाग्य में क्या है फिर मेरी एक वेब सीरीज है जो Zoom स्टूडियो चैनल है, mm -hmm. है, after, मेरे नाम है। okay. तो मुझे अगर शूट की कॉल आ रहा है वाली हूं तो तब तो घर को पता है कि यार ये तो आईटी में काम रही थी टी में बताने की जरूरत है फिर ये वापस रिज्यूम करना 4 साल के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है तो कैसे वो कॉन्फिडेंस कैसे फिर आपने ब्रश अप चीजें करी दोबारा पढ़ना शुरू किया और फिर इंटरव्यूज के लिए आपने तैयारी कर आप एक बहुत अच्छे एक राइट एग्जाम्पल हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर गैप्स गैप वाला भी पीरियड है तीन साल चार साल तो उससे भी निकला जा सकता है वापस आप रिज्यूम कर सकते हैं तो अगर इंसान में चाह हो अपने आप पे सेल्फ बिलीव हो तो सब कुछ मुमकिन है आज मेरे साथ जो गेस्ट है इनका नाम है शिवानी सलूजा इन्होंने कॉन्ग्जेंट से अपना करियर स्टार्ट किया तीन साल काम किया चेन्नई इनकी लोकेशन थी और उसके बाद बेंच पे गए बेंच वाला एक्सपीरियंस भी देखा उसके बाद इन्होंने कांग्रेसेंट को बाय बाय बोल दिया पुणे गए वहाँ से मुंबई गए अब मुंबई क्यों गए ये चले गए एक्टिंग फील्ड में इनको एक्टर बनना था एमएलसी की जॉब छोड़ के एक्टिंग फील्ड में गए वहाँ बहुत संघर्ष किया चार साल उस पर लगा दिए फिर वापस चार साल के गैप के बाद आईटी में दोबारा रिज्यूम किया आज एक कंपनी में काम कर रहे हैं आई कंपनी में काम कर रहे हैं इनकी जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करेगी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में कैसे रास्ते बन रहे होते हैं कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं यही लाइफ है और वो इनकी इस पूरे पॉडकास्ट में इस पूरे एपिसोड में आपको एक माइंडसेट समझ आएगा किसी व्यक्ति का इस पॉडकास्ट को आप कंप्लीट देखना ईयरफोन लगा लीजिए आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे चार साल के गैप के बाद भी रिज्यूम किया जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो कुछ चीज़ों को आपको मारना पड़ता है तो शिवानी उसका एक राइट right एग्जाम्पल है अपना माइंड स्ट्रांग रखा हिम्मत नहीं हारी सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना लाइक करना शेयर करना नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेल आइकन लाइक एम इज फाइव थाउजेंड कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चलिए बात करते हैं शिवानी से जानते हैं कंप्लीट जर्नी सो so, शिवानी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे आपकी जर्नी कैसे आप एक्टिंग फील्ड से आई में आए तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता मेरे बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए और आज आप बहुत इंस्पायर होंगे इनकी स्टोरी से एंड इनसे इनकी स्टोरी से आपको एक चीज़ समझ आएगी कि सब कुछ मुमकिन है अगर आप मेहनत कर रहे हैं हाथ पैर मार रहे हैं सब कहीं ना कहीं से रास्ते निकल जाते हैं सो प्लीज़ ओवर टू यू अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा बताइए अपने बारे में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं प्लीज हेलो अजय एंड हेलो टू ऑल द ऑडियंस एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मई दिस प्लेटफॉर्म जहाँ मैं अपनी जर्नी अपने बारे में एक्सप्रेस कर सकूँ और जितने लोग मुझे देख रहे हैं मतलब मैं एज मैनी पीपल इंस्पायर कर सकूँ मेरा नाम शिवानी सलूजा है और मैं एक छोटे से शहर बुरहानपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ मैंने अपनी इंजीनियरिंग इंदौर के मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंप्लीट करी उसके बाद ऑफ कैंपस में मेरा कॉगनीजन में सिलेक्शन हो गया एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स काम करने के बाद जॉब क्विट कर दी एंड देन आफ्टर सिक्स यर्स करेंटली आई एम अगेन डूइंग अ आई टी जॉब एज अ लीड डेटा एनालिस्ट ओके सो एक्टिंग की जो बात है वो बाद में हुई पहले आपने आपने स्टार्ट अपना ना आईटी से ही किया करिए यस यस आई हैव स्टार्टेड माय करियर आईटी कंपनी के साथ ही ओके okay. hmm. तो ये थोड़ा बताइए अपने कॉग्निजेंट का एक्सपीरियंस कितना टाइम वैसे काम किया कॉग्निजेंट में आपने मैंने ऑलमोस्ट थ्री इयर्स काम किया कॉग्निजेंट ओके सो क्या क्या काम किया और कैसे ये मिला आपको कॉग्निजेंट का हाँ जी एक्चुअली ऑफ कैंपस था वहीं पे एक बंसल कॉलेज था वहाँ पे ऑफ कैंपस आया था तो पहले एक रिटर्न एग्जामिनेशन था उसको क्लियर करने के बाद लाइक वी वे फिफ्टी फिफ्टीन स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम कॉलेज और उसके बाद दो का सिलेक्शन हुआ और uh, उसमें एक मैं थी और एक मेरा एक और कलीग था एक फ्रेंड था कॉलेज फ्रेंड तो उसके बाद हमारे इंटरव्यू हुए और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में तो uh, मेरा जो डेजिग्नेशन था एज़ अ प्रोग्रामर एनलिस्ट ट्रेनी था Uh, उसके बाद चेन्नई uh, में लोकेशन uh, मिला okay. था यस yes, तो आई हैव टू मूव टू चेन्नई तो वो सबसे पहले एक वो स्ट्रगल था मेरे लिए कि डिफरेंट स्टेट में जाना है लैंग्वेज हसल एंड ऑल hmm. वो सब चीज़ें ऑफ माइंड थी मेरे बट देन आई नी हाउ वेंट देयर और वहाँ पे थ्री मंथ्स का ट्रेनिंग था जिसमें हमें इन्फॉर्मेटिका और टेरा डेटा पे ट्रेनिंग दी गई और फिर आपको एक एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं और आफ्टर एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हो तभी आप परमानेंट डेजिंगनेशन वहाँ पे मिलती है आपको तो उसके बाद फिर मैं प्रमोट होकर एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट बन गई वहां पे फिर मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट डोमेन्स में प्रोडक्शन में टेस्टिंग में और डेवलपमेंट में काम किया और वहाँ पे मेनली जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो इन्फॉर्मेटिकल टूल से रिलेटेड थे और okay. कुछ पावीआर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी थे एंड आल्सो जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो बिग डेटा हडू प्रोजेक्ट से रिलेटेड था ओके okay. सो so, उस टाइम पे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिला कॉग्निसेट में तो hmm. कितना आपको ऑफर मिला था वैसे उस टाइम पे 3.2 3.2 इवन सर्विस बेस्ड कंपनी का ऐसे ही रहता है 3.2 3.5 4 इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय पैकेज वाज 3.2 मतलब मुझे ऑलमोस्ट अगर मैं 2015 में मुझे जॉइनिंग था कॉग्निजेंट में तब मुझे 3.2 मिला था और रिसेंटली अभी भी अगर मैं जॉइनिंग का सुनती हूं तो अब 4.2 तक हुआ थोड़ा मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है स्टिल Right. Now they are giving 4.2 इतने spend के बाद भी so

तो अभी तो वी हैव अ मोर एडवांस टूल्स हमारे पास पावर बी आई टूल्स हैं मतलब जो कि रिपोर्टिंग के लिए भी हेल्प करते हैं वहाँ पे भी हम सेम चीज ई टीएल प्रोसेस करते हैं देन बट हम एक रिपोर्ट रेडी करके एक बिजनेस इनसाइट्स भी निकाल लेते हैं उसके थ्रू बट विद द ई टीएल इन्फॉर्मेटिका टूल वो आप उसका यूज के समझिए कि जैसे डेटा वेयर हाउस बिल्ड करना है उसको उसमें डेटा पॉपुलेट करना है तो फाइनली अगर आप रिपोर्टिंग में जाते हो पावर बी आई में जाते हो तो आप जो आपका सोर्स होगा वो डेटा वेयर हाउस होगा

एक्चुअली <laughs> uh, मुझे लगता है सबसे पहला जो बड़ा रीजन मेरे लिए था कि मुझ पर किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं थी मतलब आई वॉज नॉटॉन्सिबल पर्सन मतलब होता है ना कि कुछ लोग शायद किसी की एजुकेशन फीस भर रहे हैं या घर चला रहे हैं तो उनको एक डर होता है जॉब छोड़ने का एक वो चीज़ नहीं थी मुझे और दूसरा कि मैंने कोई गोल सेट नहीं करे थे लाइफ में मतलब मुझे एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी मैं hmm. एक एमएनसी कंपनी में right. थी और ऑल्सो जो मेरा जो प्रोफाइल था वो भी उस टाइम पे बूम प्रोफाइल था मतलब मेरे जो कलीग्स थे वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट होता है लेट मी नो है है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी पर उस ड्यूरिंग uh, दैट मतलब मुझे समझ में आया कि एक पॉइंट आता है एक बेंच uh, पीरियड होता है ठीक है तो बेंच पीरियड एज इन कि आपको सैलरी मिलेगी एवरी मंथ टू मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट आप तो आप हाँ, अच्छा, okay. सिर्फ अपने लॉग इन कंप्लीट करने तो हैं तो वो आप पर है कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हो तो क्योंकि मेरे पास मेरा कोई गोल नहीं था सेम फील्ड से रिलेटेड भी तो मतलब मेरे लिए था कि खाली दिमाग शैतान टाइप्स की क्या हो रहा है और फिर मजा नहीं आने लगा था कि... तो आप ये कह रहे हो शिवानी गए हूँ हाँ, मतलब और फिर वो उसमें काम चल रहा है कुछ छह महीने तक एक साल तक फिर वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आप बेंच पे आ जाते हो फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट का वेट करते हो ये स्पेशली जो ये चीज बता रहे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्यादा होती है

तो कुछ और ट्राई करना चाहिए फिर मुझे लगा कि हाँ यही तो एज है मतलब यही टाइम है मैं कुछ और ट्राई कर सकती हूँ तो बाद में जाके मुझे ये आईटी जॉब छोड़ के एक्टिंग में ट्राई करना है बट ये किसी ने आपको लाइक like, ये कंडीशनिंग कहाँ से हुई एक्टिंग की कहा से आया क्योंकि आप तो अच्छा खासा जॉब कर रहे थे किसी को देख के आया क्योंकि कला अंदर थी हां पहले से यही कैसे डेवलप हुई आ, मतलब आ, मैंने खुद को देखा कि मैं किस चीज में अच्छी मतलब मुझे ऐसे आ, लाइव इंटरेक्शन करना पसंद है और आ, स्टेज फियर नहीं है मुझे मतलब मैं बचपन से ही अपने स्कूल में कॉलेज में जो एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें ज्यादा प्रोएक्टिव होती थी और स्टडीज में इतना नहीं तो होता था ना एक दिन पहले रात को झट के पढ़ ली और एग्जाम पास कर लिया तो उस कैटेगरी में थी

Luckily, मुझे एक पुणे से रिलेटेड प्रोजेक्ट का कॉल hmm, okay. तो काम रही अच्छा, okay. थी तो मेरा जो प्रोजेक्ट भी था मतलब उसकी प्रोजेक्ट की भी इतनी हाई डिमांड थी उसके बाद भी मतलब वो चीज़ का मुझे अंदाजा नहीं था क्योंकि hmm. मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मुझे लग रहा था कि नहीं मतलब मैं आई हूँ तो मैं बैक इन द

जाने के लिए इस क्वेश्चन करने के लिए वो सपोर्ट भी नहीं था कि मैं उनको जाके वो मुझे बोलते कि पागल है मतलब एम में काम कर आ, रही है जैसी कंपनी में काम कर रही है वो छोड़ के एक्टिंग में जाना है मतलब सोच भी कैसे सकता तो ऐसे जगह मैं जाके अपने सवाल नहीं रख सकती थी तो पहले मुझे खुद के सवाल क्लियर करने थे तो मैंने उनसे झूठ बोला मतलब तो उन्हें बिना बताए मैं मुंबई शिफ्ट कर गई और मैंने कहा कि मेरा ट्रांसफर हो गया मुंबई में तो आफ्टर सिक्स मंथ इन पुणे आई क्विट माई जॉब और फिर उसके बाद में मुंबई शिफ्ट हो गई और मुंबई में फिर मैंने अनुपम अच्छा, तो तो आप... कर, मैं कर रही हूँ तो आपको डर नहीं लगा यार बहुत डर लग रहा था अच्छा पर वो है ना कि एक चीज थी की नहीं फेस कर सकती मैं उनको मैं नहीं बता सकती क्योंकि उनके सवाल के जवाब मेरे पास नहीं होंगे तो वो जवाब ढूंढने के लिए मैं गई तो ये होता ना कि आप अलग अलग लोकेशन में जब आप रहते हो हुँ. आप अलग अलग लोगों से मिलते हो तो आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ठीक है और उस टाइम पे भी फिर एक फैमिली ट्रिप प्लान करी थी मैंने मतलब सिर्फ लेडीज थी उसमें मतलब मैं थी मेरी मम्मी और मेरी नानी तो ओनली लेडीज तो घर वालों में भी था कि कोई मेल नहीं जा रहा है आपके साथ का आप कैसे मैनेज करोगे तो हाँ। वो भी मैंने पूरा साउथ ट्रिप प्लान करके सब कंक्लूड uh, किया था तब uh, वहाँ जाने के बाद मैंने क्लास uh, अटेंड करी क्लास अटेंड करने के बाद मतलब मुझे था कि अनुपम खैर एक्टर प्रिपेयर क्लास ज्वाइन कर रही हूँ तो चीजें थोड़ी वो हो जाएगी स्मूथ हो जाएगी कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे वो मतलब आपको एक Confidence आपका हो हो जाता है आप जोनर के लोगों से मिलते हो, फिर उनके साथ काम करते हो तो आपको चीजें पता चल जाती है कि काम कैसे होता है वो चीज़ थी कि आपको प्रोडक्शन हाउस में जाना होगा आपको ऑडिशन बनाने होंगे पहले आपको खुद ऑडिशन प्रिपेयर करना होगा तो ये सब चीजें धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप चीजें क्लियर हो रही थी कितना टाइम आपने बिताया इस कोर्स में? बस मैंने उनका कोर्सेज सारे पढ़े थे उनके तीन महीने का भी कोर्स था पर आ, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी थी तो जितना मेरे पास बैलेंस था मुझे वो लेके भी चलना था तो उस अकॉर्डिंगली मैंने प्लान किया था कि मेरा रहने का भी हो जाए और मैं क्लास भी कर लूँ तो ऐसे मेरा एक महीने का क्लास कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि अभी मुझे और पॉलिशिंग की ज़रूरत है और फिर मुझे समझ में आया कि थिएटर करना ज़रूरी है, है सिर्फ है। क्लास नहीं तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया फिर मैंने थिएटर में टाइम दिया करीब दो तीन महीने फिर मैंने एक प्ले भी किया okay. फिर वो प्ले करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया मतलब लोग आए टिकट लेके प्ले देखा उन्होंने तो उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो अब जाके मेरे पास सारे सवालों के जवाब थे mm. क्योंकि अब मैं क्लास कर चुकी थी थिएटर कर चुकी थी प्ले कर चुकी थी तो मुझे लगा अम्बाइर जाके बता सकती हूँ क्योंकि अब मुझे कॉल्स आने लगे थे शूट्स के ओके ओके विजिबिलिटी यस विजिबिलिटी के लिए ओ, okay. तो मुझे अगर शूट्स की कॉल आ रहा है अगर मैं टीवी में दिखने वाली हूँ तो तब तो घर वालों को पता रहा है कि यार ये तो कम आईटी में काम करी थी हाँ, टीवी में कैसे दिख रही है हाँ, हाँ, तो मतलब दिस इज द राइट टाइम मैं कॉल्स नहीं ले पा रही थी तो मतलब अब मुझे बताने की जरूरत है तो फिर मैंने घर अच्छा, पे जाके बता दिया सारी चीज कौन कौन सी टीवी शोज में आपने काम किया हाँ जी मतलब मैंने टीवी सीरियल्स में काम किया है कुमकुम भाग्य पता होगा आपको okay, okay. कुमकुम भाग्य में क्या है तेरा यार हूँ मैं सीरियल में क्या है फिर मेरी एक वेब सीरीज़ है जो यूट्यूब के स्टूडियो चैनल पे अवेलेबल है हैप्पी एवर आफ्टर जिसमें मेरे कैरेक्टर नाम रागिनी है Okay. फिर शॉर्ट फिल्म करी करी है जो कि आपको लाफिंग कलर्स पेज पे मिल जाएगी तलाक नाम से ओके वेरी नाइस तो काम तो किया है मैंने तो लगभग लग लग कितना समय बिताया आपने मैंने एक्टिंग फील्ड में मतलब जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली जैसे आपने बताया अभी कितना समय बिताया फिर जैसे uh, 2018 मैं मैंने job, में मैंने जॉब फेब्रवरी में जॉब क्विट करी थी और uh, फिर अप्रैल में मेरी क्लास थी तो वो 2018 मेरा पूरा पॉलिशिंग में गया थिएटर करने में घर वालों को बताने में नेटवर्क बनाने में नेटवर्क बनाने में सब चीज़ें करने में तो 2019 आते आते मैं शूट्स करने लगी थी okay. तो स्टार्टिंग फिर मैंने रोल से करी जैसे मुझे रिपोर्टर के रोल्स आते थे तो वो रोल्स करे फिर उसके बाद एंडिंग में धीरे धीरे मुझे वेब सीरीज़ का अपॉर्चुनिटी मिला तो वो वेब सीरीज़ हमारा राजस्थान में जाके शूट हुआ था तो Uh, वो वहां पे शूट कंडक्ट हुआ और चीजें ऐसी हुई कि वो शूट कंप्लीट करने के बाद में आई हूँ और लॉकडाउन लग गया अच्छा uh, फ़रवरी uh, 2020, 2020, uh -huh. में uh -huh. लॉकडाउन लग गया uh -huh. था। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऑलरेडी आप हासिल कर रहे हो लाइफ में ऑलरेडी आप अपनी चीजें बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो फिर बीच में सडन ब्रेक आ जाता है hmm. तो वो ब्रेक आ गया और उस टाइम पे मुझे याद है कि मैं घर गई थी एक हफ्ते की पैकिंग करके कि मैं एक हफ्ते जा रही हूँ फिर वापस आ जाऊँ वापस आ जाऊँगी तो वो एक हफ़्ता मेरा सिक्स मंथ्स में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू दिस लॉकडाउन और फिर वो सिक्स मंथ्स में वापस से फैमिली प्रेशर वो मैनिपलेशन और ये सब कि नहीं छोड़ दो आई ज़्यादा अच्छी थी तो मेरा कहीं ना कहीं एक ये रीजन भी है कि बैक ऑफ द माइंड मुझे हमेशा था कि मेरे पास एक ऑप्शन है होता है ना आपके पास कि अगर लाइफ लाइफ में दो ऑप्शन लेके चलते हो तो दो नाव पे सवार हो तो आप डूबोगे ही आप कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो तो सेम चीज है कि मैं इधर भी कर रही थी बट फिर जब लॉकडाउन हो गया तब मैं हो जाती थी मैंने बोलेट की नहीं ठीक है मैं छोड़ देती हूँ सही कह रहे घर वाले आई टी करती क्योंकि अगर अभी मैं आई कर रही हूँ तो एटलीस्ट मेरी सैलरी आ रही होती राइट मतलब मैं बिजी होती मतलब ऐसे फ्री नहीं बैठी होती और फिर फ्री अगर आप बैठे हो तो आप कहीं ना कहीं जाने लगते होने लगेंगे तो mm -hmm. और हमें पता है कि इस फील्ड में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस yes. है ये mm -hmm. नेटवर्क बनाना कब किसकी नज़र आप पे पड़ेगी कैसे वो काम मिलेगा तो आपके हिसाब से तो चलो आप वापस आईटी में आ गए हो अभी अच्छा काम कर रहे हो जानेंगे उसके बारे में

Uh, मैं अगर कॉन्स की बात करूँ मेरे पास आज काम है, है मेरे, पास कल काम है, मेरे पास परसों काम है, पर क्या मेरे पास तरसों काम है नहीं महीना खाली बैठे मैंने वही लॉकडाउन पीरियड की बात करूँ तब तो बिल्कुल तो शट डाउन हो गया था इंडस्ट्री कोई काम नहीं हो रहा था कितना आप अर्न कर रहे थे आपने खुद मैं कभी काम है कभी नहीं है फिर कैसे वो चीजें कितना आप कमा लेते थे फिर Uh, मतलब बेसिकली मेरी सेविंग्स मैंने रखी हुई थी अच्छा। अपने आई टी जॉब के लिए क्योंकि मुझे पता था अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है आप एकदम अगर लाइंग राइट right में आ जाओगे तो आप पैसा बनाते जाओगे तब तो, तो कोई आपको रोक नहीं रहा पर तब रहा। तक आपको मैनेज करके चलना है ठीक है तो उसके लिए ऐसा होता था कि मुझे शूट्स आ रहे हैं तो कभी मैं मतलब uh, मुझे महीने के मैं बीस पच्चीस हजार कमा लेती थी okay, और मतलब मैक्सिमम जो मुझे लास्ट ऑफर हुआ था वो फोर पॉइंट फाइव लैक पर मंथ ऑफर हुआ था Okay. एक सीरियल uh, के लिए कैरेक्टर के लिए okay. तो दिस मच आई हैव सीन डिपेंडिंग अपॉन आपका फेस वैल्यू कैसे बढ़ता कैसे? जाता है आपका पर डे का पैकेज या मंथली पैकेज ऐसे बढ़ते जाता है सो so, शिवानी फिर आ, कब आपको लगा कि आपको वापस आई में कॉरपोरेट जॉब में जाना चाहिए आ, जैसे कि मैंने आपको पहला रीजन दिया था कि मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी राइट तो उसके बाद अभी जो करंट सिनेरियो है फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि यार अब मैं अकेले कहीं पे भी ऐसे उठ के मुँह उठा के सोच नहीं सकती कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है और मतलब अगर मेरा स्ट्रगल है इंडिविजुअल तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पार्टनर भी सेम स्ट्रगल मेरे वजह से करना करना पड़े उसे तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉप देना चाहिए और कुछ फिर लाइफ में अभी ऐसा करना चाहिए कि एक सेटलमेंट हो जाए लाइफ में आप सेटल हो जाओ और yeah. क्योंकि उस फील्ड में कोई एज लिमिटेशन नहीं है right. मतलब मैं

एक ऐसी फील्ड चुननी चाहिए जिसमें हम दोनों मैनेज कर सके साथ में मतलब बेसिकली शादी के बाद ही आपको रियलाइज हाँ, हुआ हां शादी के बाद ही मुझे ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जागी ओके okay. तो यस yes. नाइस nice. तो फिर ये वापस रिज्यूम करना आप 4 साल के बाद हुँ. बहुत डिफिकल्ट होता है कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है तो कैसे वो कॉन्फिडेंस अप हुआ और कैसे फिर आपने ब्रश अप चीजें करी दोबारा पढ़ना शुरू किया और फिर इंटरव्यूज़ के लिए आपने तैयारी करी थोड़ा उसके बारे में बताइए आई गेस लाइक मतलब फोर इयर्स, मतलब चार साल तो मैंने एक्टिंग uh, फील्ड में दिए थे फिर उसके बाद और दो साल लाइक ओवरऑल सिक्स ईयर्स का गैप अभी करंटली हो गया है मुझे पर या आफ्टर फोर ईयर्स मतलब जब शादी हुई शादी के बाद सिक्स मंथस टाइम पीरियड था उसमें मैंने फिर से कोशिश करी खुद से पढ़ने की फाइंड आउट किया लिंकडिन में एक पहला अप्रोच लिंडिनिंग करते हो लिंडिन पे जाते हो देखते और हो और गैप भी हो गया गैप को भी जस्टिफाई करना गैप को भी जस्टिफाई करना है यस तो उस लिंडिन में जाके मैं प्रोफाइल्स देखने लगी कि अब करेंटली डिमांड में क्या चीजें हैं तो मुझे समझ में पावर बीआई है डेटा साइंस फील्ड है राइट तो ये सब चीजें मुझे लिंडिन प्रोफाइल से पता चला और मुझे कहीं ना कहीं वो डेटा रिलेटेड मेरा वर्क ही था मतलब मैं एक टूल पे वर्क वॉक कर रही थी हाँ आपने दो स्टार्टिंग तो uh, था वो language, uh, मुझे था कि हां ये फील्ड मेरे लिए सही होगी वापस से स्टार्ट करने के लिए पर चीजें मुझे क्लियर हो गई फिर मैंने खुद से एक स्ट्रक्चर प्लान किया कि मैं ये ये पढ़ती हूँ और फिर मैं जॉब लेती हूँ बट ड्यूरिंग दैट प्लानिंग ऑफ माई एग्जीक्यूशन वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुझे लगा कि नहीं मुझे एक uh, एक क्लास की ज़रूरत है मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत है या एक स्कूल की ज़रूरत है जो मुझे ट्रेन करे इतने टाइम पीरियड में जो मुझे ब्रश अप करे करंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए और फिर मुझ में वो वापस से वो कॉन्फिडेंस जाए कि नहीं प्रिपेयर मैं जाके इंटरव्यू दे सकती हूँ और क्रैक कर सकती हूँ तो वो मुझे एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा था तो फिर uh, तब मैंने जाके यूट्यूब वीडियोज़ देखे तब पॉडकास्ट देखा और पॉडकास्ट देख के फिर मैं इंस्पायर हो गई कि हाँ ये okay, मैं भी यस yes, मैं भी कर सकती हूँ ये पर्सन ने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती लाइक दैट like तो उसके बाद एक ओडन स्कूल करके मुझे पता चला कि एक ये ओडन स्कूल है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है सिक्स मंथ्स की ट्रेनिंग होती है वीकेंड्स में होती है तो तो वीकेंड्स तो, में होती है यस ओनली वीकेंड्स तो ये करती हूँ और इसके काफी सारे अच्छे रिव्यूज देखे मैंने और uh, मतलब होने होने के बाद भी, like, science, uh, bio background होने के बाद बाद भी भी वो data science field में आके ले ले तो तो एक बैकग्राउंड है हाँ, मतलब मैं कैसे नहीं कर सकती हाँ, तो वो पर्सन कर सकता है तो मैं कैसे नहीं कर सकती तो मैंने वो अपना ईयर गैप छोड़ ही दिया कि मेरा ईयर गैप है अच्छा, मैं भूल, भूल गया पता है वैसे एक गैप uh, को जस्टिफाई करना बहुत टफ होता है yes. कोई आपको कोई एंटरटेन करेगा आप uh -huh. चार साल से काम नहीं कर रहे हो एक्जेक्टली आई थिंक यही एक वे था यही शायद आपको सोचना होगा उस टाइम पे कि चलो yes. मैं मुझे एक प्रोग्राम मिल जाए जहां पे थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस अप कर लूं एक्जेक्टली exactly. एक्जेक्टली exactly. और मतलब ऐसा प्रोग्राम जो कि मुझे मेरा जॉब भी दे मतलब जो कि बुलाए कंपनीज़ को और कंपनीज़ के साथ मेरा इंटरव्यू कंडक्ट लाइक ऐसा कोई प्रोग्राम मैं ढूंढ रही थी तो वहां मुझे क्लैरिटी हो रही है कि आप डेटा में इसलिए आपका पास्ट बैकग्राउंड के तीन साल का ये था। yes, yes, तो उसमें आप कि मैं इसमें बेटर कर सकती हूँ yes. इस हाँ। इसमें रिज्यूम कर सकती हूँ yes. okay, okay. तो क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए क्या आपको उस प्रोग्राम में सीखने को मिला उस प्रोग्राम में बेसिकली वो सिक्स मंथ्स की ट्रेनिंग होती थी तो मतलब आप अ, अलग अलग मॉड्यूल्स होते थे एक सिक्वल मॉडल होगा तो उसमें भी बेसिक होगा एडवांस होगा फिर पाइथन था पाइथन का बेसिक एडवांस फिर आपको पावर बिया टूल्स से रिलेटेड पावरबिया के मॉड्यूल्स आएंगे तो आप जैसे जैसे एक मॉड्यूल कम्प्लीट करते हो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को आपको अच्छा, yes, okay. प्रेजेंट तो जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो लाइव hmm. इंटरव्यू तो उसके बाद मॉक इंटरव्यूज होते थे मॉक इंटरव्यूजैक्टली कंडक्टेड आपसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते थे तो उस सब चीज़ों hmm. से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और मैं वेट रही थी अपॉर्चुनिटी की मुझे इंटरव्यू कॉल महीने महीने के के बाद फिर। के बाद फिर नहीं मिली मुझे okay. करीब एक साल के बाद मिली ओके okay. तो okay. जो पहला पहला इंटरव्यू इंटरव्यू था मेरा उस चीज हाँ, हाँ, okay, okay. तो के कारण डिले हो गया तो उस डिले पीरियड में भी वो कोशिश करते हैं कि आपको और डिफरेंट मॉड्यूल्स मिले आप उन मॉड्यूल्स पे आप प्रिपेयर करो Okay. मतलब आप फ्री नहीं बैठो आप और पॉलिश hmm. करते रहो खुद को क्योंकि कभी right. भी अपॉर्चुनिटी आए तो यू okay. तो मस्ट मेरे मेरे okay. hmm. तो आप क्या, hmm. क्या हैं बेसिकली hmm. जितना मैं समझ पा रहा हूँ hmm. पूरे तरीके से data, data में हो yes. और जहाँ पे पावर बी आई सिक्वेल ए आई एम ये सब चीजें hmm. hmm. भी होती है तो आपकी क्या करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में करंटली uh, हम पावर बी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही डील कर रहे हैं तो डिफरेंट सोर्सेज हैं ओके okay? तो अभी मेरे अंडर में चार लोग हैं मेरी टीम में चार लोग हैं okay. इसमें से दो लोगों को मैं पावर बी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ और दो लोगों को जो भी क्लाइंट से रिलेटेड अभी लाइफ प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनको रिक्वायरमेंट्स को समझाना अगर उसमें कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनको वो चीज़ें उन सब से डील करना और फिर उनका काम होने के बाद मुझे वैलिडेशन करना है कि सब चीजें बराबर है करेक्ट है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे उनको फिर बताना कि नहीं यार आप यहाँ गलत हो तो आपको यहाँ चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करंट मेरा जॉब प्रोफाइल ये है एज अ लीड डेटा अटास्ट लाइफ में बहुत बार चीजें ऐसे स्टार्ट होती हैं, फिर हम सरकम ऐसे बन जाते हैं हम कोई चीज कर रहे होते हैं ऐसे छोड़ना पड़ता है एंड आई थिंक मुझे लगता है जो फर्स्ट जॉब मिली वहाँ पे ऑडियंस स्कूल का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा यस। yes. ट्रेनिंग आपको मिली अच्छे से, yes. उसके बाद आपको से मिली जो गैप था <laughs> वो जस्टिफाई हो गया हाँ, हाँ, तो, हाँ, तो इंटरव्यू में किसी ने मेरे गैप के बारे में पूछा ही नहीं अच्छा तो नाइस तो अभी अच्छा चल रहा है सब

पर्सनल बिलीव है मैं जैसे लाइफ को देखता हूँ मुझे लगता है कभी-कभी आप किसी चीज में बेहतर होते हो किसी कारण की वजह से आपको वो छोड़ना पड़ता है आप कुछ और करते हैं लाइफ खत्म नहीं हो रही है exactly. क्या पता आगे आपको किसी तरीके से कोई रास्ता ऐसा बन जाए हाँ, और इवर yes, नो <laughs> अगर मुझे चमकना होगा तो मैं कहीं से भी कैसे भी चमक सकती हूं राइट right. सो so, uh, आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग थी कैसे आपने स्टार्ट किया रिस्क भी लिए बीच में है ना और फिर कोविड आया वापस से आपने रिज्यूम किया आप एक बहुत अच्छा एक राइट right एग्जांपल है हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर गैप गैप वाला भी पीरियड है तीन yes. साल चार साल तो उससे भी निकला जा सकता है वापस से आप रिज्यूम कर सकते हो तीन बातें दो तीन बातें आप कुछ हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहें क्योंकि आप जिस फील्ड में आपने हाथ मारा हाँ, हाँ. इतना आसान नहीं होता वहाँ पे बहुत लोगों को जवाब देना होता है yes. पहले जवाब देने फैमिली है है ना सब उनको, सब कैसे, उनको कैसे कैसे अपना काम है ना एकदम से टीवी में नहीं आ सकते टाइम टाइम लगता हर चीज़ में हुँ, लगता हुँ, है exactly. तो, है हर चीज में तो ठीक है अब आप एक्टिंग में थे ऐसे और बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट किसी कुछ किसी किसी का कोई पैशन होगा किसी का कोई पैशन होगा तो क्या दो तीन आप मैसेज देना चाहेंगे और गैप वाला तो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया कि तीन चार साल का गैप है तो पॉसिबल है आप आ सकते हो रिज्यूम कर सकते हो तो तीन चार बातें जो आप मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को आपकी लर्निंग से हाँ जी बिल्कुल आ, पहली चीज मैं ये बोलूंगी कि नेवर बी हार्ड ऑन योर मतलब कभी भी आप खुद पे इतना ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं कि आपको सब चीज खुद से ही करनी है मतलब यू हैव टू टेक सपोर्ट मतलब सपोर्ट के साथ ही आप कुछ अलग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपके साथ और अगर जैसे मैं अपनी गैप की बात बात करूँ तो उस गैप को भी मैंने ऐसा देखा नहीं कि अब मुझे खुद से ही रिज्यूम करना है तो मैंने एक सेफ साइड चूज़ किया कि नहीं मेरे मुझे कुछ प्रोग्राम ढूंढना चाहिए और उसके थ्रू जाना चाहिए तो आई हैव नेवर बीन वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ लाइफ में और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आए कि मनी डजेंट बाई यू हैप्पीनेस बट मनी विल सॉल्व नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ योर प्रॉब्लम मतलब पैसा जरूरी होता है तो मतलब पैसों की कदर करें वैल्यू करें और तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि गोल्स लाइफ में बिना गोल्स के मत रहेगी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके वर्क्स हों आपके गोल हो पर आपके गोल आपके पैशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं आपके डिफरेंट हॉबीज़ के रिलेटेड भी हो सकते हैं मतलब कोई ना कोई या आपको कोई ट्रैवल का शौक है तो आप कोई ना कोई गोल अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए मतलब दैट विल हेल्प यू गेट गोइंग तो यही मैं आपसे बोलूँगी आपकी जर्नी से मैंने दो तीन चीजें सीखी कि नहीं। आ, नहीं भी मैं गलत हो सकता हूँ बट जितना मैंने आपको भी ऑब्जर्व किया है ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करे जैसा टाइम चल रहा है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर ले थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी बट हाँ। इतना मेंटली स्ट्रांग रखो अपने आप को कि हो जाएगा हाँ। ट्राई करते रहे हाँ। जब मुझे समझ आया आपसे एंड आई थिंक वही एक खूबी थी आप में जो आपका रास्ता वहां से चेंज हुआ थोड़ा इतना आसान नहीं रहा होगा बट आपने मेहनत करी और फिर क्रैक और पॉडकास्ट कर yes. अच्छा करता हूं बट आपकी बातों में बहुत क्लैरिटी थी mm -hmm. उम्मीद है कि वो क्लैरिटी हमारी ऑडियंस तक पहुंची होगी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फिर कभी किसी और आप, किसी और टॉपिक पे आपसे बात sure, करेंगे एंड sure. मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच आपको अगर अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट इसे लाइक करना शेयर करना उम्मीद है कि जो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से लाइक एम इज फाइव थाउजेंड कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में तिल दिन ध्यान रखिए अपना बाकी लाइक जरूर करना आप लोग लाइक नहीं करते कर लाइक चलो ठीक है सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं हो तो थैंक यू सो मच थैंक यू शिवानी थैंक यू